कहानी की शुरुआत में हम दो जुड़वा लड़की को देखते हैं, जिनके नाम फ्रीडा और मारिया है। कुछ सालों पहले इनके मोम डैड की मौत हो गई थी, जिस वजह से ये दोनों अपने अंकल के यहाँ रहने जा रहे थे। गांव में पहुँचने के बाद फ्रीडा पहाड़ पर एक विला को देखती है और बोलती है, ये जिसका भी होगा वो बहुत ही अमीर होगा। ये बात सुनकर टांगे वाली औरत बोलती है, उस विला में थॉमस कार्नस्टीन नाम का आदमी रहता है। इसके बाद ये दोनों उसकी आंटी केटी से मिलते हैं। इसके बाद हम एक लड़की और उसके आदमी को देखते हैं। ये लड़की बोलती है कि मैंने बाहर कुछ आवाज़ सुनी। जब ये आदमी गेट खोलकर बाहर देखने जाता है तो गुस्ताव नाम का आदमी इस पर हमला कर देता है। ये देखकर लड़की यहाँ से भागने लगती है, लेकिन बाहर गुस्ताव के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। ये लड़की गुस्ताव से बोलती है, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन गुस्ताव उसकी कोई बात नहीं सुनता है। इसके बाद इस लड़की को एक पेड़ से बांध दिया जाता है और गुस्ताव ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद उस लड़की को जला देता है। अगले दिन केटी इन दोनों लड़कियों से बोलती है कि अब तुम्हें अपने कपड़े बदल लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंकल गुस्ताव बहुत ही धार्मिक इंसान है और वो तुम्हें इन कपड़ों में देखकर बहुत गुस्सा करेंगे। इसके बाद केटी इन दोनों को अपने रूम की तरफ लेकर जा रही थी, तभी यहाँ पर गुस्ताव आ जाता है और इन दोनों को ऐसे कपड़ों में देखकर बहुत गुस्सा करता है। गुस्ताव इन दोनों से बोलता है, यहाँ पर रहना है तो तुम्हें अपने दायरे में रहना होगा। इसके बाद केटी इन दोनों को अपने रूम की तरफ लेकर जाती है। कुछ देर बाद गुस्ताव अपने साथियों को बुलाता है और उनसे बोलता है कि पिछले 10 दिन में 2 लोगों की मौत हो गई है और दोनों के गले पर शैतान का निशान था, इसलिए अब हमें उन शैतानों को ढूंढ ढूंढ कर मारना होगा। इसके बाद गुस्ताव अपने साथियों के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी गुस्ताव को एक घर दिखाई देता है जहाँ पर एक लड़की रहती थी। जब गुस्ताव अंदर जाता है तो उसे विला का मालिक थॉमस मिलता है, जो गेटा नाम की लड़की के साथ मस्ती कर रहा था। गुस्ताव बोलता है कि हम शैतान की तलाश में हैं, तो थॉमस बोलता है, यहाँ पर इस खूबसूरत लड़की के अलावा कोई नहीं है। ये बात सुनकर गुस्ताव यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद रास्ते में गुस्ताव को एक आदमी की चीखें सुनाई देती है। जब गुस्ताव उसके पास जाता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसका पूरा खून सूख गया था। गुस्ताव उसके गले पर 2 दांत के निशान भी देखता है और समझ जाता है कि ये वैम्पायर का काम है। इधर मारिया अपनी बहन फ्रीडा से बोलती है कि अब हमें सो जाना चाहिए, अगर गुस्ताव अंकल आ गए तो फिर से गुस्सा करेंगे। तो फ्रीडा बोलती है, हम पर चिल्लाने का गुस्ताव को बस बहाना चाहिए, अगर हम यहाँ पर रहे तो ये किसी नरक से कम नहीं होगा। तो मारिया बोलती है, हम यहाँ पर रहने के अलावा और क्या सकते हैं। तो फ्रीडा बोलती है, बस कुछ दिन की बात है और मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। इसके बाद गुस्ताव घर आता है और केटी से बोलता है कि मैं उस थॉमस को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसके विला में लड़कियां और आदमी सभी नग्न हो जाते हैं और शैतान की पूजा करते हैं और उन सभी का गुरु थॉमस है। मुझे कैसे भी करके थॉमस की असलियत गांव वालों के सामने लाना होगी। और गुस्ताव की सारी बातें फ्रीडा सुन लेती है। इसके बाद फ्रीडा अपने रूम से विला को देखने लगती है और अपनी बहन से बोलती है कि मुझे यहाँ से भागने का रास्ता मिल गया। इसके बाद हम विला में थॉमस को देखते हैं और कुछ आदमी एक लड़की को बांधकर रिचुअल को पूरा कर रहे थे। इसके बाद एक आदमी उस लड़की को मारने ही वाला था, तभी थॉमस उसे पकड़ लेता है और यहाँ से सभी को बाहर जाने का बोलता है। इसके बाद थॉमस शैतान से प्रार्थना करता है और उस लड़की को मार देता है। कुछ देर बाद थॉमस के पास एक लड़की आती है, जब थॉमस उसे देखता है तो वो बहुत ही खूबसूरत थी। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। कुछ देर बाद ये लड़की थॉमस को आईने के पास लेकर जाती है, जिसमें इस लड़की की परछाई नहीं दिख रही थी। ये लड़की थॉमस को बताती है कि मैं मरी हुई हूँ लेकिन अमर हूँ और तुम्हारी प्रार्थना के कारण मैं तुम्हारे पास आई हूँ। और तभी ये लड़की थॉमस को गले पर काट लेती है, जिससे थॉमस भी इस लड़की जैसा वैम्पायर बन जाता है और अमर हो जाता है। अगले दिन केटी इन दोनों को इंग्रिड के स्कूल में लेकर जाती है और ये दोनों इंग्रिड से मिलती है। कुछ देर बाद यहाँ पर इंग्रिड का पति एंटोन आता है और इन दोनों से मिलता है। मारिया एंटोन से विला के इतिहास के बारे में पूछती है और एंटोन उसे विला के बारे में बताने लगता है। तभी फ्रीडा बाहर थॉमस को देखती है और जल्दी से बाहर आकर अपने संतरे थॉमस को दिखाने लगती है। जब थॉमस फ्रीडा को देखता है तो वो उसके पास आ जाता है। तभी यहाँ पर गुस्ताव भी आ जाता है और थॉमस से बोलता है कि वो मेरी भतीजी है, उससे दूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा, और फ्रीडा को जल्दी से अंदर जाने का बोलता है। इसके बाद रात को फ्रीडा मारिया से बोलती है कि मैं विला में थॉमस के पास जा रही हूँ, तुम भी साथ चल सकती हो। तो मारिया बोलती है, अगर गुस्ताव को पता चला तो वो मार मार कर हमारी लाल कर देंगे। तो फ्रीडा बोलती है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी और अगर तुमने किसी को बताया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद फ्रीडा यहाँ से भागकर विला की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में थॉमस का आदमी फ्रीडा को पकड़ लेता है और थॉमस के पास ले आता है। इसके बाद थॉमस और फ्रीडा जब बात कर रहे थे, तब थॉमस की गर्लफ्रेंड गेटा को बहुत बुरा लग रहा था और वो थॉमस से ठीक से बात नहीं करती है, इसलिए थॉमस बोलता है कि अब हम दोनों तुम्हें इसकी सजा देंगे, और थॉमस का आदमी गेटा को पकड़कर बांध देता है। इसके बाद थॉमस फ्रीडा को आईने के पास लेकर जाता है
और उसे बताता है कि मैं मरा हुआ हूँ लेकिन अमर हूँ, और कोई भी इंसान मुझे तब तक नहीं मार सकता जब तक वो मेरा सर ना काट दे या फिर मेरे दिल पर हमला ना करे। अब मैं हमेशा के लिए अमर हूँ। थॉमस की ये बात सुनकर फ्रीडा बहुत डर जाती है और बोलती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। तभी थॉमस फ्रीडा के गले पर काट लेता है और फ्रीडा भी थॉमस की तरह एक वैम्पायर बन जाती है। इसके बाद ये दोनों गेटा के पास जाते हैं और उसका खून पीने लगते हैं। कुछ देर बाद फ्रीडा फिर से मारिया के पास आ जाती है और उससे बोलती है कि अब मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तो मारिया बोलती है कि विला से आने के बाद तुम बदली बदली सी लग रही हो, लेकिन फ्रीडा मारिया को कुछ नहीं बताती है। अगले दिन फ्रीडा मारिया से बोलती है, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो मारिया बोलती है, तुम बाहर मत जाना, मैं बहुत डर जाती हूँ। लेकिन फिर भी फ्रीडा बाहर चली जाती है। बाहर फ्रीडा को एक आदमी दिखाई देता है। जब ये आदमी फ्रीडा को देखता है तो उसके पास जाने लगता है और तभी फ्रीडा उसके गले पर काट लेती है और उसका खून चूस लेती है। अगले दिन इंग्रिड का पति एंटोन लड़कियों की क्लास ले रहा था और सभी से बोलता है कि इंग्रिड किसी काम से बाहर गई है, इसलिए आज मैं सभी की क्लास लूंगा। तभी यहाँ पर गुस्ताव किसी की लाश लेकर आता है और जैसे ही गुस्ताव कपड़ा हटाता है तो उसमें से एंटोन की पत्नी इंग्रिड निकलती है और इंग्रिड का भी किसी शैतान ने खून चूस लिया था। इसके बाद रात को जंगल में फ्रीडा को एक आदमी दिखाई देता है। जब फ्रीडा उसके पास जाती है तो वो बोलता है, तुम्हें जल्दी से घर चले जाना चाहिए, और तभी फ्रीडा उसके गले पर काट लेती है। लेकिन फ्रीडा को चारों तरफ से गुस्ताव के आदमी घेर लेते हैं, इसलिए फ्रीडा जल्दी से गुस्ताव के पास जाती है और बोलती है, मुझे उस शैतान से बचा लो। इसके बाद गुस्ताव जैसे ही क्रॉस निकालता है तो फ्रीडा वैम्पायर में बदल जाती है, जिस वजह से गुस्ताव फ्रीडा को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उसे तहखाने में बंद कर देता है। इधर ये बात जब थॉमस को पता चलती है तो वो फ्रीडा को बचाने के लिए मारिया के पास जाता है, लेकिन तभी थॉमस मारिया के हाथ में क्रॉस को देखता है। कुछ देर बाद मारिया के हाथ से क्रॉस नीचे गिर जाता है। इसके बाद थॉमस मारिया को उठाकर ले जाता है और ये सीधे फ्रीडा के पास जाते हैं, लेकिन अंदर एक आदमी था। थॉमस उसे अपने वश में कर लेता है और ये तीनों फ्रीडा के पास आ जाते हैं। इसके बाद थॉमस फ्रीडा के कपड़े मारिया से बदल देता है और फ्रीडा को लेकर यहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पर गुस्ताव आता है और मारिया को फ्रीडा समझकर अपने साथ ले जाता है ताकि गुस्ताव उसे जला सके। इधर एंटोन मारिया के पास आता है, लेकिन यहाँ पर फ्रीडा थी। फ्रीडा धीरे धीरे एंटोन को सेड्यूस करने लगती है और तभी वो एंटोन पर हमला कर देती है, लेकिन एंटोन जल्दी से क्रॉस फ्रीडा के ऊपर फेंक देता है जिससे फ्रीडा का हाथ जल जाता है और एंटोन यहाँ से भाग जाता है। इधर गुस्ताव मारिया को जलाने ही वाला था, तभी यहाँ पर एंटोन आ जाता है और उन्हें बताता है कि ये मारिया है, इसे मत जलाओ। इसके बाद गुस्ताव क्रॉस से मारिया को चेक करता है और मारिया वैम्पायर नहीं थी। यहाँ पर एंटोन गुस्ताव को बताता है कि उस शैतान को कैसे मारना है और गुस्ताव को पता था कि फ्रीडा कहाँ है। इसके बाद गुस्ताव अपने साथियों के साथ विला की तरफ निकल जाता है। थॉमस गुस्ताव को महल की तरफ आते हुए देख लेता है, इसलिए वो फ्रीडा को लेकर दूसरे रास्ते से भागने लगता है। गेट पर आने के बाद थॉमस पहले फ्रीडा को बाहर भेजता है, लेकिन तभी गुस्ताव फ्रीडा की मुंडी पकड़ लेता है और उसे मार देता है। ये देखकर थॉमस अंदर से गेट बंद कर देता है। इधर मारिया फ्रीडा को देखने के लिए विला में आ जाती है, लेकिन मारिया को थॉमस पकड़ लेता है और उसे विला में ले जाकर ऊपर से फेंकने की कोशिश करता है। तभी इसके पास गुस्ताव आ जाता है। गुस्ताव थॉमस पर हमला करता है, लेकिन वो चूक जाता है और मौका देखकर थॉमस गुस्ताव को मार देता है। इसके बाद थॉमस मारिया को काटने ही वाला होता है, तभी एंटोन भाले से थॉमस को मार देता है और थॉमस कंकाल में बदल जाता है, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।